जन्नत जुबेर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड मैंने इनके इंस्टाग्राम पे से ये पिक निकाली थी, सो मुझे मेकअप लुक काफ़ी अच्छा लगा, सो मैंने इसे रिक्रिएट किया है। सो फर्स्ट मैं अपने फेस पर टोनर अप्लाई करूँगी, देन मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने स्किन को, क्योंकि जब हमारी स्किन हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रहेगी तो मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्ट रहेगा एंड आपके फेस पर नेचुरली ग्लो भी आएगा। देन मैं एडीएस के ब्रो पाउडर से अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी एक एंगल ब्रश की मदद से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ इसी तरह से आपने भी फिल करना है। इससे आपका फेस का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगता है आईब्रोज़ फिल करने के बाद। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनसाइड 2-in-1 का प्राइमर यूज़ करूँगी अपने टी जोन एरियाज़ पर एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे हमारा जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छे से स्मूथ ग्लाइड होता है। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन लिया है, इसे फिंगर की हेल्प से डैबिंग मोशन में अपने पूरे डॉट डॉट कर अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करूँगी एंड एक डैम्प स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। एज़ यू कैन सी काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड आप चाहे तो इसे बिल्डअप कर सकते हो। ये शी टू मीडियम कवरेज हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मोडा का कंसीलर लिया है एंड ये कंसीलर बेकार कंसीलर है, सो जस्ट मैंने ट्राई करने के लिए ट्राई किया था, काफ़ी पैची मुझे फील हुआ। सो ये कंसीलर आप परचेस ना करें। सो मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर इसे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ एंड सेम डैम स्पंज की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। देन इसे सेट करने के लिए यहाँ पर लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी एंड एक फ्लफी ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन ब्लैक काजल की हेल्प से मैं लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पर इसे अप्लाई करूँगी एंड अपर लैश लाइन के क्लोज आपने इसी तरह से अप्लाई करना है एक थिक काजल। देन आपने एक स्मजर ब्रश की हेल्प से स्मज करना है। सो थोड़ा सा स्मोकी काइंड ऑफ लुक मुझे लगा, सो मैंने इसे इसी तरह से क्रिएट किया है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। देन एक ब्राउन शेड लेकर क्रीज पे प्लेस करते हुए इसे ब्लेंड करूँगी ताकि ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर आपस में मिक्स हो जाए एंड हमें एक नेचुरल लुक हमें मिले। सो इसी तरह से आपने ब्लेंड करना है एंड एक एंगल ब्रश की मदद से सेम ब्राउन शेड को लेकर नीचे लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट करूँगी ताकि एक स्मोकी इफ़ेक्ट हमें मिले। नेक्स्ट ब्रॉन्जर, शिवाना ब्रॉन्जर मैंने लिया है, हाईएस्ट पॉइंट्स पे मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी। सो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर करूँगी अपने नोज़ को स्लिम दिखाने के लिए एंड इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट सेम शिवाना ब्लश पैलेट में से मैं ये शिमरी सा पिंक शेड लेकर अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी, सटल पिंक कलर है। देन सेम गोल्डन शेड को एज ए हाइलाइटर यूज़ करूँगी, सो अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर इसे लगाकर ब्लेंड कर लूँगी। सो काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है एंड आप देख सकते हो काफ़ी ग्लोई हाइलाइटर है। लास्टली मैं यहाँ पर एडीएस का मस्कारा यूज़ करूँगी अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को 2-3 कोट्स अप्लाई करूँगी। इससे आपका आई मेकअप जो है कंप्लीट हो जाता है एंड आपके आईज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। सो अपर एंड लोअर लैशेस पर लगाने के बाद मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे से। देन मैंने यहाँ पर मार्स के 2 लिपस्टिक्स लिए हैं, एक न्यूडी शेड है, सो मैं इसे अपने लिप्स पर फर्स्ट अप्लाई करूँगी ब्राउनिश शेड। देन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरेंजिस रेड शेड अप्लाई करूँगी ताकि मुझे एग्जैक्ट लिप कलर मुझे मिल सके। देन एक फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी ताकि नेचुरल लुक हमें मिले। सो दैट्स इट, दिस इज़ आवर फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर ज़रूर बताइए। नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए बाय बाय।